नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। ट्रेन के बाद अब 25 मई से सरकार घरेलू उड़ानों को करीब 2 महीने शुरू करने जा रही है। अब बहुत कुछ पहले जैसा नहीं है। उड़ान के लिए जरूरी गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी हैं। वहीं 1 जून से रेल से भी अब अपनी मर्जी के मुताबिक यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आपको हर कदम पर क्या सावधानी बरतनी होगी, ये आज हम एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे। देश कोरोना के साथ जीने को तैयार है, इसकी शुरुआत रेल यात्रा से हो चुकी है। 1 जून से 200 ट्रेन आपको यात्रा कराने के लिए तैयार हैं। करीब 2 माह बाद शुरू हो रही रेल यात्रा के लिए 1.5 लाख टिकट पहले से 2 घंटे पहले बिक चुके हैं। 1 जून से ही जो ट्रेन शुरू हो रही है, इसमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों के लिए ई टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक हो रहे हैं। इनके लिए आरक्षण केंद्रों या रेलवे स्टेशनों से कोई टिकट जारी नहीं होंगे। हालांकि 2 दिन बाद रेलवे 1.7 लाख सर्विस सेंटर से टिकट की ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा देने जा रहा है। रेल यात्रा के लिए जारी दिशा निर्देश में सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। रेलवे ने दावा किया है कि उसने 2050 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 30 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया है, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी सरकार से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। यही वजह रही है कि सबसे कम ट्रेन मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंची। वहीं 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस दौरान सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार ने अगस्त तक हवाई टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी है, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा ही शुरू होगा। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 33% विमानों की उड़ान की इजाजत दी गई है। विमान में सभी की सीट खाली नहीं होगी। फ्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। मास्क और सैनिटाइजर के साथ आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल भी करना होगा अपने फोन पर। आइए सुनते हैं कि हवाई यात्रा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या कुछ कहा। मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली मेट्रो। नाउ दिल्ली मेट्रो at its peak carries 65 lakh or 6.5 million passengers in a day. You see the load there. If you look at the railways load, much higher. So we gained some experience through Vande Bharat. Now we are increasing that. Now we are starting domestic civil aviation, initially 1/3. Aur jo hamara wahan pe anubhav hoga, based on our, you know, we might need to tweak procedures, then we will go into international travel. लॉकडाउन के कारण विमानन क्षेत्र को इस वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। इस क्षेत्र को सामान्य हालत में पहुंचने के लिए 2 साल का समय लग सकता है। हवाई अड्डों पर बने आउटलेट्स को करीब 1700 से 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं रेलवे को लॉकडाउन से पहले बुक कराई गई टिकट्स के रद्द होने से ही 1490 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे की कुल कमाई 90,000 करोड़ रुपए घट सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में ये नुकसान 1,48,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम तरह की बातें और की जा रही हैं कि ये सेवा कैसी है, ये सुविधा कैसी है, और क्या इसमें ये तो नहीं है कि आप भले ही देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। चर्चा हम इस बात को लेकर करते हैं। बीजेपी सांसद धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और शिव गोपाल मिश्रा हैं जो कि महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवेज मैंस फेडरेशन के, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, आप मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस की मांग भी यही बनी हुई थी, लेकिन सवाल वही है, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, मुझे लगता है कि ना देर से आए और ना दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी। और जिस तरह से अभी तक जो कुछ हुआ है पिछले 60 दिनों में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महामारी से जो केंद्र सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, 60 दिन हमने देख कर 24 मार्च को हमने हवाई सेवाएं बंद की थी, रेल सेवाएं बंद की थी। मुझे नहीं समझ आया कि 24 मार्च में और आज 21-22 मई के अंदर क्या फर्क हुआ है। उस समय पर 500 केस थे, आज 1.25 लाख के करीब केस हैं। संक्रमण का खतरा उस समय कम था, आज संक्रमण का खतरा ज्यादा है।
केंद्र की सरकार ने कौन सी तैयारी कर ली है, रेलवे ने कौन सी तैयारी कर ली है, मुझे नहीं लगता है कि आज भी किसी भी एंगल से हम संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी रूप में कोई कदम उठा पाए। हेल्थ के एंगल से अभी तो हम हेल्थ वर्कर्स को ही पूरी तरह से पीपीई किट, मास्क और तमाम चीजें नहीं दे पाए हैं, रेलवे के कर्मचारियों को कैसे देंगे। अभी कल की ही खबर है कि रेलवे के सीटी साहब जो हैं उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे उसके हाथ पांव फूले हुए हैं और कहीं ना कहीं वो अभी उसमें है कि पल्ला झड़ा जाए उनसे। पूरी तरह से आज ये स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। मोदी साहब ने पूरी तरह से राज्यों के पाले में गेंद को डाल दिया है कि इकोनॉमी को भी आप संभालिए, राज्यों के बॉर्डर्स को भी आप संभालिए, सब कुछ आप संभालिए। मुझे नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार को पहले मजदूरों को अपने घर वो भेजने में कितने रोका था और आज हवाई जहाज चलाकर कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो हमने दो महीने में हासिल करनी है। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है पूरे फरवरी पूरे मार्च चलती रही, जबकि 30 जनवरी को हमारे यहाँ पर पहला केस आ गया। उस समय पर थर्मल स्क्रीनिंग तक भी नहीं हो पाई थी, थर्मल स्कैनिंग एयरपोर्ट पे होनी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरह के केसेस आ रहे हैं और सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग समय होगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए भी और रेलवे के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। हमारे साथ अब मिश्रा जी मौजूद हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं मिश्रा जी, क्या आप मानते हैं कि हमारे पास इतनी सुविधाएं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है श्रमिकों की, ये माना जा रहा है करीब 5 करोड़ के आसपास है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आलोक जी ने जो बातें की हैं एक बार धर्मवीर जी का जवाब मैं उनसे ले लूँ। धर्मवीर जी, ना तो आप देर से आए हैं ना दुरुस्त आए हैं, कांग्रेस ये मानती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बचाव में ही बचाव है, हमारा तकरीबन जो 2 महीने का समय लग गया है, अगर हम पहले दिन से ही रेलवे और एयरलाइन को खोल देते तो बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। अब धीरे धीरे क्योंकि एक पैनिक खड़ा हुआ मजदूरों में, गरीब आदमी में, और वो हर आदमी अपने प्रदेश के अपने घर में जाना चाहता था, इसलिए सोच समझ के केंद्रीय रेलवे मंत्री ने, होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी करके कि आप एक रेलवे डिब्बे में केवल इतने आदमी बैठोगे, रास्ते में ये ट्रेन केवल वहां रुकेंगी, बैठने से पहले, उतरने के बाद, घर जाने से पहले क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था बहुत सही समय पर की है। अगर जिस प्रकार से कुछ एक आदमियों की ये सोच है कि हमने पहले ही रेलवे नहीं बंद करनी देनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता था। शिवगोपाल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या हमारे पास उतनी क्षमता थी या हमने शुरुआत में इस दिशा में सोचा नहीं? अब जब सारी चीजें सर पर आ गई हैं, मजदूर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो आनन फानन में हमने ये सारी चीजें सोची? एक बात तो आप मानेंगे कि कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व में पहली दफे आई है, और इस महामारी के बारे में कोई जानता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो हर देश ने इस्तेमाल किया लॉकडाउन का फार्मूला, वही भारतवर्ष ने भी इस्तेमाल किया। अगर लॉकडाउन इमिडिएटली नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि जो व्यवस्था भारतवर्ष में ज़्यादा लोगों को बचाने की हुई है वो शायद नहीं हो पाती। तो इसलिए पहला जो लॉकडाउन का चरण था उसमें ईमानदारी के साथ में, बिना किसी राजनीति के अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी ये समझ ही नहीं पा रहा था कहाँ हुआ, और उस समय सख्ती भी बहुत ज़बरदस्त हुई। अगर वो सख्ती नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो कोरोना की स्थिति है बहुत ख़राब होती। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल का जहाँ तक क्षमता का सवाल है, वहाँ हम 2 लाख और 36,000-35,000 लोगों को रोज़ पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर पहुँचाने का काम करते हैं, ये हमारी क्षमता है। लेकिन वो क्षमता कब है? जब देश में परिस्थितियां वैसी हों। अगर परिस्थितियां ये हैं कि अगर उस समय गाड़ियों को खोल दिया जाता, रोका नहीं जाता, तो आप समझिए जितने कोरोना में मर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़े स्टेशनों में स्टैम्पीड से मर गए होते हैं। तो अब जो निर्णय होम मिनिस्ट्री ने लिया, रेल मिनिस्ट्री ने लिया उस समय, वो बिल्कुल सही सोच समझ करके निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार में सामंजस्य होना चाहिए था, जिस तरीके से गाड़ियों को और ज़्यादा चलाया जा सकता था रेलवे की क्षमता के अनुसार, अनफॉर्चुनेट ये है कि कहीं कहीं पर उसमें काफ़ी विसंगति नज़र आई, और जो हम ज़्यादा लोगों को श्रमिक स्पेशल चला करके पहुंचा सकते थे वो नहीं पहुंच पाया। अभी उसको खोला जा रहा है, और आप देखेंगे कि अगले हफ्ते तक
जो है वो गाड़ियां फिर से उसी स्पीड से अपनी पटरियों पर दौड़ेंगी। और अब तो लोग कहने ही लगे कि हमें कोरोना के साथ जीना आ गया है, हम जिएंगे, कोरोना को परास्त करेंगे और इन सारी परिस्थितियों से ऊपर निकलेंगे, देश को फिर विकास के लिए। आलोक जी, आप मानते हैं, आप जिन कमियों का जिक्र कर रहे थे, मिश्रा जी जो चूंकि उसी विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो सही फैसला था, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं थी। देखिए, मैं समझ मिश्रा जी का मैं सम्मान करता हूँ उसी विभाग से, लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में अगर लेबर माइग्रेशन का या किसी भी रूप में लॉकडाउन किस सिचुएशन में रहेगा, कैसे रहेगा, उसकी कोई रूपरेखा रहेगी तो शायद रेल विभाग अच्छे से काम कर सकता था। आज मिश्रा जी कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ जाता, जिस समय पर 500 केस थे उस समय संक्रमण ज्यादा बढ़ता या 1.25 लाख केस जब ज्यादा बढ़ने की चिंता रहेगी, मुझे लगता है आज ज्यादा चिंता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा और कहाँ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। एक महीने के अंदर अर्थव्यवस्था ने घुटने टेके और शराब की दुकानों पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का हाल हमने देखा वो पूरे देश ने भी देखा और सारा समय ने भी पूरी तरह से उसको दिखाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से सरकार आकलन करने में चूक गई। कितने मजदूर कहाँ से कहाँ जाएंगे, कोई आंकड़ा, कोई डाटा, कोई कमेटी, कोई अपेक्स कमेटी, कोई अपेक्स नोडल मिनिस्टर, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। केवल एक व्यक्ति को लगा कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, 21 दिन में हम कोरोना से जीत लेंगे। प्रदेश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के अंदर पूरी तरह से कमी रही। आप कहते हैं कि साहब पहले शायद ऐसा होता तो ऐसा और ज्यादा केसेस हो जाते। गोवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त स्टेट डिक्लेयर हो गया था 10 दिन पहले, लेकिन जब से ट्रेन चली है वहां पर कोरोना के मामले बहुत आ गए। मुझे लगता है कि पहले से ही अगर गोवा के लोग वहां पर माइग्रेट करके चले जाते उस समय पर तो आज संक्रमण का खतरा कम रहता। दूसरी चीज बाईयर की बात आप कर रहे हैं, आप देखिए कि मार्च का आप आंकड़ा उठा के देखिए, 18 मार्च से और 24 मार्च के बीच में लगभग 700 से 800 इंटरनेशनल फ्लाइट बाहर से आई हैं, चार्टर्ड फ्लाइट बाहर से आई हैं। तो सरकार ने हमेशा ही हवाई जहाज में और सूट बूट पहनने वालों का ख्याल रखा है, मजदूरों का आकलन नहीं हुआ। यही कारण है कि आज आनंद फानंद में आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा। आप राज्यों के ऊपर डालते रहे कि राज्य परमिशन नहीं दे रहे। रेलवे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, रेलवे जहां से चाहे वहां से अपने ट्रैक पर अपनी गाड़ी चला सकती है। तब तो आप कहते रहे कि राज्य परमिशन नहीं दे रही क्योंकि आपको राजनीति करनी थी। अब आपने 250 ट्रेन चला दी है, क्या ये राज्यों से पूछ कर चलाई है आपने? अब तो किसी से नहीं पूछा गया। धर्मवीर जी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है कि अब जो ट्रेनें आप चला रहे हैं क्या वो राज्यों से पूछकर चला रहे हैं? और पहले भी अगर आप ट्रेन चला देते तो क्या राज्यों से पूछकर चलाते थे? लेकिन अब इतनी जो एक विषमता देखी जा रही है, इतनी जो परेशानी देखी जा रही है, कम से कम वो तो नहीं होती। आज जो श्रमिक अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, वो ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वो संक्रमण अगर ये पहले शुरुआती दौर में होता तो शायद ये संक्रमण उस तरीके से नहीं होता। देखिए, ऐसा है, स्टेट के अधिकार अलग हैं और सेंटर के अधिकार अलग हैं। ठीक है कि रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र के नीचे आता है, लेकिन जब किसी भी स्टेट के अंदर वो जाएगा तो लाइन ऑर्डर देखना, वहां की स्थितियां देखना, वो प्रदेश का काम है और प्रदेशों ने ही भी प्रबंध करना पड़ता है। क्या पता ने कितने मतदान लेके आना। दूसरी बात देखना, मनरेगा में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है केंद्रीय सरकार ने, ताकि वो मजदूर जो महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, हरियाणा से जाए, कोई बिहार में जाएगा, कोई उड़ीसा में जाएगा, कोई उधर से इधर आएगा, उन लोगों को उसी गांव में कम से कम रोजगार गारंटी के तहत वो पैसे के आधार पर काम मिल जाए। खुद के गांव में ना मिले तो पड़ोस में मिल जाए। और मैं मान के चलता हूं कि धीरे धीरे अब ये रोजगार गारंटी, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, इतना बड़ा बजट इसका इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि लोगों को अपने घर के अंदर काम मिले और धीरे धीरे छोटे किसान को भी इसमें मुझे लगता है जोड़ दिया जाएगा। तो पहले तो आप इसे कोस रहे थे ना, आप ये कहते थे कि नाकामी है कांग्रेस की, अब आपको अच्छी लगने लगी? नाकामी है कांग्रेस की, मैंने कब कहा? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में कहा। क्या क्या कहा आलोक जी, बता दीजिए क्या कहा? देखिए, मोदी साहब ने कहा था कि मनरेगा जो है कांग्रेस के 70 सालों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और मैं इसको गाजे बाजे के साथ ढोल पीट के पूरे विश्व को बताऊंगा। आज आप अपनी पीठ थपथपा पा रहे हैं और दुर्भाग्य के सांसद को पार्लियामेंट में मोदी साहब ने क्या कहा वही नहीं पता है। लेकिन हम लोग भी नहीं जाना चाहते, मनरेगा एक अच्छी स्कीम थी, मनरेगा अच्छी स्कीम है और अच्छा किया कि मनरेगा का बजट बढ़ा दिया।
अभी उन्होंने कहा राज्यों के अधिकार अलग हैं और केंद्र के अधिकार अलग हैं। आलोक जी, आलोक जी, धर्मवीर जी का जवाब तो ले लें। देखिए ना, ऐसा है, जिस दिन से मनरेगा शुरू हुई है, सही बात है कि कांग्रेस के समय में शुरू हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर साल मनरेगा का बजट, आप 2014 में हमारी सरकार बनी तब से लेकर आज तक हर साल उसमें बढ़ोतरी की है, बल्कि कांग्रेस के 2013-14 में तो वो पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। अब ये मानिए कि मनरेगा का विरोध नहीं, बल्कि मनरेगा का पैसा बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पहल की है, और धीरे धीरे जो बजट, मुझे याद है मात्र 32,000 करोड़ रुपया बजट था 2013-14 का, जो खर्च नहीं हुआ था, और 14-15, 15-16 आज तक हर बार बढ़ा, इस बार तो 40,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि मनरेगा का बजट बढ़ाना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, ये कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं। मनरेगा का मतलब तो रोजगार गारंटी है, कि जितना देश में बेरोजगारी बढ़ेगी सरकार गारंटी लेती है कि उनको रोजगार देगी। इसका मतलब मोदी साहब के समय में तो ये बात सिद्ध कर रहे हैं सांसद महोदय कि 45 साल की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा रही, इसीलिए तो मनरेगा में ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। हम भी बार बार यही बात कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद मनरेगा में पिछले साल तक 46% एडिशनल रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए, जॉब कार्ड बनने शुरू हो गए। तो आज सिचुएशन ये है कि सरकार जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है, अर्थव्यवस्था का इनको आ नहीं पता, इकोनॉमी का ई नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर ना होकर फ्रस्ट्रेटेड मिनिस्टर हो गए हैं। 4 दिन का झुंझुना लाए, 20 लाख करोड़ हवा निकल गई तो भाग लिए वहां से, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। नहीं, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं ना धर्मवीर जी और उनकी सरकार, उनके मंत्री प्रयास तो कर ही रहे हैं। देखिए, अब प्रयास में सबसे पहले जब जिस देश के 15 करोड़ मजदूर सड़कों पर हों और उस देश की सरकार का लेबर मिनिस्टर एक बयान तक नहीं जारी करे, मुझे लगता है कौन से प्रयास हो रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। धर्मवीर जी, देश के वैसे लेबर मिनिस्टर धर्मवीर जी को तो पता होगा, धर्मवीर जी श्रम मंत्री कौन है धर्मवीर जी? देखिए ऐसा है क्योंकि इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर हैं, लॉकडाउन के बाद छोटा बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वो बड़ा उद्योग था या एसएमई के तहत था, जब उनका रोजगार छिन गया तो इसीलिए लोग अपने घर पर जा रहे हैं, और घर के अंदर ही रोजगार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। इस बात की तो कम से कम हर देश के 135 करोड़ आदमी, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, इस बात की परहेज करनी चाहिए कि ठीक बात है कि आज आवश्यकता है इस चीज की। ठीक है आलोक जी, संतुष्ट हैं? देखिए, मुझे लगता है धर्मवीर जी हमारे साथ ही थे पहले, शायद वही वाले धर्मवीर जी हैं, मैं शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। वही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा कंफ्यूज कर गए हैं कि मोदी जी की पॉलिसी कौन सी है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा कांग्रेस की अच्छी पॉलिसीज का बखान किया है, मेरे बड़े भाई की तरह है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर एयरलाइंस, अभी सहारा समय पे देख रहा था कि एयरलाइंस को अगर रिकवर करने में 2 साल लगेंगे तो स्वाभाविक है कि बाकी छोटे उद्योग जो हैं वो तो उठ ही नहीं पाएंगे। उसको लेकर सरकार बात भी कर रही है, तमाम जो पैकेज का जिक्र चल रहा है, हालांकि वो बड़ा विषय है। शिव गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं, शिव गोपाल जी बताएं। मनोज भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलोक भाई जो है वो एक बात जो मैंने कही, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पहले संक्रमित कम होते अभी संक्रमित ज़्यादा होते, मैंने ये बात कही है कि जो पहली बात तो ये बात ये समझ लीजिए कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके बारे में एक सिस्टम फेल्योर हुआ है, उसको एक जो अंदाज लगाना चाहिए था कि ये कितने लोग निकलेंगे। मैंने 24 मार्च को चिट्ठी लिखी है पीयूष गोयल जी को, उसमें मैंने उनको कहा कि आप गाड़ियों को इमिडिएटली चलाइए, इनका मास एक्सोडस होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रवासी हैं, दूसरी जगह जाकर के काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है उन्होंने उस बात को माना। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है वो इस टाइम जो परिस्थिति थी जो हमारे इनकी माइग्रेंट मजदूरों की, इसमें भारत के प्रधानमंत्री की बात को उद्योगपतियों ने नहीं सुना। अगर उन्होंने सुन लिया होता कि भाई 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना तुम इनको खाना खिला दो, और मकान मालिकों ने भी इनकी बात नहीं सुनी, इन्होंने कहा था कि उनको जो है वो अपने मकानों से आप 1.5 महीने 2 महीने मत निकालिए, अगर इन्होंने वहीं पर उनको कंटेन कर लिया होता, रोक लिया होता, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए कि हमारे पास काम नहीं, आप जाइए, और मकान मालिक ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, जाइए आप भी बाहर जाइए। तो ये लोग जो सड़क पर ला करके छोड़ दिए गए, ये किसी भी पार्टी का राज होता उसमें यही हालत होने वाली थी। मैं तो एक ही विनती करना चाहूँगा धर्मवीर जी से भी, और लोग तो मेरे भाई हैं,
तो मैं दोनों जनों से बात कहना चाहूंगा कि ये वक्त जो है वो राजनीति का नहीं है। आलोक जी संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक नेशनल माइग्रेशन लेबर पॉलिसी बननी चाहिए थी केंद्र की तरफ से। कौन से मजदूर कहाँ से जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ता गया और केंद्र की तरफ से कोई पैकेज राज्यों को नहीं दिया गया, उद्योगपतियों के लिए आज भी क्या सहारा मिला है? कोई सहारा नहीं मिला है। क्या लोन को सहारा कहते हैं, क्या पैकेज कहते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर मजदूरों में एक अविश्वास पैदा हो गया। आज आप किसी को खाना और तनख्वाह भी देंगे, वो कहेगा छोड़िए साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले अपने घर गांव भेज दीजिए। शायद इस बात को बीजेपी नहीं समझ पाई। वाकई, और वही हो रहा है, वही हो रहा है देश की सड़कों पर, वही हो रहा है देश के राजमार्गों पर, वही हो रहा है। और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हम लकीर पीट रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या तमाम जानकार हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बात है, क्या वाकई देर से आए हैं, क्या वाकई दुरुस्त आए हैं, इसको लेकर बहस चलेगी तब तक जब तक ये मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आलोक जी का जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, शुक्रिया करेंगे धर्मी जी का जो हमारे साथ मौजूद रहे, और शुक्रिया करेंगे शिव गोपाल जी का जो एडिटर चॉइस में मेरे साथ रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के आप चलते रहिए सारा समय के साथ सारा।